हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आलोक जेटली। जैसे कि मैं ऑनलाइन ब्यूटी पार्लर कोर्स कराती हूँ, उसी के तहत मेरे पास काफ़ी सारे मैसेज आए हैं और काफ़ी सारे लोगों का कहना है कि मैं सुंदर नहीं लग रही हूँ, मैं स्मार्ट नहीं लगती हूँ, मेरा रंग नहीं साफ है, मेरे बाल हल्के हैं। तो मैंने सोचा कि ऐसा क्यों ना करूँ कि पर्सनालिटी को निखारने के लिए ही एक सीरीज बनाऊँ। तो आज से मैं जो इसी चैनल पर आलोक जेटली चैनल पर एक पर्सनालिटी सीरीज का वीडियो डालूंगी, जिससे आप घर बैठ के बिना महंगे कॉस्मेटिक्स के या बिना पार्लर जाए घर पे ही रह के आप अपनी पर्सनालिटी को निखार सकते हो। आपने खुद ही सुना होगा कि लोग कहते हैं कि देखो वो लड़की है, थोड़ा सा मोटी है लेकिन कितनी स्मार्ट लग रही है, वो देखो उसका रंग दबा है लेकिन कितनी स्मार्ट लग रही। स्मार्टनेस आपकी पर्सनालिटी, आपकी जो पर्सनालिटी है उसको जब आप निखारते हो तो स्मार्टनेस आपके में आ जाती है। अब आप पर्सनालिटी को आप किस तरह से निखारोगे? पर्सनालिटी को निखारने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती है, जैसे आपका बातचीत करने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपके उठने बैठने का तरीका अच्छा होना चाहिए, आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो अच्छी होनी चाहिए। तो ये सब आपकी जो है ना पर्सनालिटी को निखारते हैं। पर्सनालिटी को निखारने के लिए बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत नहीं होती है, या बहुत ज़्यादा महंगे ब्रांड के कॉस्मेटिक्स, बहुत ज़्यादा महंगे ब्रांड के कपड़े खरीदने से आपकी पर्सनालिटी में निखार नहीं आता है। देखोगे जीन्स अगर कोई लड़की पहने है या कोई लेडीज पहने तो वो स्मार्ट लगेगी, ऐसा नहीं है। बहुत से लोग साड़ी में भी बहुत सुंदर लगते हैं। आप किसी शादी फंक्शन में जाते होगे, कोई लेडी है या गर्ल्स है अगर साड़ी पहने हैं तो वो आपको अट्रैक्ट करती है, क्योंकि वो उसकी पर्सनालिटी में अट्रैक्शन है। यही अट्रैक्शन आप अपनी पर्सनालिटी में किस तरह से लाओ मैं आपको बताऊंगी। तो अगर आपको इस तरह से मेरी सीरीज पसंद आए तो आप आगे कहिएगा, मैं सारे वीडियोस आपके लिए बनाऊंगी कि जिससे आप अपनी पर्सनालिटी को निखार सकते हो। पर्सनालिटी को निखारने के लिए आपकी बॉडी लैंग्वेज का एक सा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जैसे हम लोग बात करते रहते हैं, आप बात करो बस, आपकी जो लैंग्वेज है वो दूसरे को समझ में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती है तो आप स्मार्ट नहीं हो, आप दूसरों को अपनी बात नहीं समझा सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर्सनालिटी को निखारने के लिए जो आपकी लैंग्वेज है आप उसी पे बात करो। ऐसा नहीं है कि आप टूटी फूटी इंग्लिश बोल रहे हो, आपको आता नहीं है फिर भी आप टूटी फूटी शब्द बोल रहे हो, उससे अच्छा है जो आपकी लैंग्वेज है आप उस पर ध्यान दो। शब्दों को अच्छे से उच्चारण करो, अच्छे से बोलो, साफ शब्द बोलो। पर्सनालिटी को निखारने के लिए एक और मैं आपको बात बताती हूँ, जो सबसे बड़ी बात है कि आप जब भी किसी से बात करते हो ना तो आंखें सामने बात करो, बिल्कुल नजरें झुका के या इधर उधर देख के आप किसी से बात ना करो, आप सामने बात करो। प्लस आप दूसरे की भी सुनो, जो सामने वाला कह रहा है आप उसकी सुनिए। अगर आप सामने वाले की बात सुनते हो तो उसको अच्छा लगता है कि ये मेरे को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं। इससे क्या होता है, आपकी लोकप्रियता बढ़ती है। पर्सनालिटी को निखारने के लिए आपको अपनी लोकप्रियता को भी तो बढ़ाना होगा। लोकप्रियता का मतलब ये नहीं है कि आप फेमस हो जाओ, मतलब ये रहता है कि आपकी बातों में दम होना चाहिए। आप हवा में बात मत करो, आपकी बातों में दम होना चाहिए कि जो अगला है, आपकी जो बात सुन रहा है वो आपसे अट्रैक्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आप जो भी आपको लैंग्वेज आती है, ऐसा नहीं है कि इंग्लिश आपको नहीं आती है तो आप इंग्लिश के पीछे पड़ जाओ, जो भी आती है टूटी फूटी आती है आप उसको यूज़ करो। आपको जो लैंग्वेज आती है, आप जिसमें आपको मास्टर हासिल है, जिस जो आप लैंग्वेज आपकी मदर टंग है, आप वही लैंग्वेज बोलो। आप हिंदी बोलो, आप जो भी बोलते हो आप अपनी भाषा को इम्पोर्टेंस दो। अगले को बताओ कि मेरे को ये आता है, मेरे को इंग्लिश नहीं आती है। आप उसी लैंग्वेज में अगर आप बात उनसे करते हो तो उनके ऊपर आपका इम्पैक्ट अच्छा जाता है कि देखो ऐसा नहीं है कि ये टूटा फूटा बोल रही है, ऊपर से कह रहे हैं कि हाँ मेरे को आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आपको जो लैंग्वेज आती है आप वो लैंग्वेज बोलिए। पर्सनालिटी को निखारने के लिए ऐसा नहीं है कि कलर साफ हो, गोरे हों और लंबे हों, दुबले हों, तभी आपकी पर्सनालिटी है, तभी आप स्मार्ट कहला सकते हो। बहुत से लोगों को लगता है कि रंग अगर गोरा है तो वो सुंदर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनका कलर साफ है, फेयर है तो वो सुंदर कहलाते हैं, और जिनकी स्किन सांवली है तो वो सुंदर नहीं कहलाते हैं। आप जैसे देख सकते हो फिल्म स्टार बिपाशा बसु है या रेखा जी हैं, तो इनका कलर थोड़ा सा दबा हुआ होते हुए भी ये कितनी ब्यूटीफुल लगती हैं, इन्होंने अपनी पर्सनालिटी को किस तरह से निखारा। तो
मैं आपको इसी चैनल पर स्टेप बाय स्टेप आपको सारा बताऊंगी और बिना किसी खर्चे के। आप ये नहीं कि आपको बहुत ज्यादा कॉस्मेटिक्स यूज करना पड़ेगा या आपको पार्लर जाना पड़ेगा तब आप सुंदर बन सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं आपको जो सिंपल आपकी किचन में आपके आसपास जो चीजें होंगी उन्हीं के तहत आपको बताऊंगी और आप किस तरह से लोगों को अट्रैक्ट कर सको ये पूरी मैं सीरीज बताऊंगी। और साथ ही मैं आपको नेचुरल चीजों से बताऊंगी, ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पैसा खर्च करना होगा, आप घर बैठकर मेरी क्लासेस ले सकते हो। इसका मतलब ये नहीं होता कि सुंदर होना, स्मार्टनेस बहुत सारी चीजों से आती है, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका चलना उठना बैठना काफ़ी कुछ मायने करता है आपकी पर्सनैलिटी को निखारने के लिए। और इसमें आपका मैं सब कुछ लेके चलूंगी, आपकी स्किन केयर हेयर केयर से लेकर आपकी पर्सनैलिटी बातचीत करने का सब तरीका। ऐसा होता है आप किसी भी ब्यूटीफुल लेडी को देखो, अगर उसके पैर की एड़ियाँ फटी हैं तो आपको कैसा लगे, कितना गंदा, या फटी हुई तो आपको जरा अजीब सा लगेगा, या उसके बाल उलझे उलझे रफ से हैं तो आपको अजीब सा लगेगा। वो सुंदर तो खूब है लेकिन उसके बाल उलझे हैं, या आप देखो उसके लिप्स फटे हैं, होंठ फटे हुए हैं, या वो कपड़े पहने हुए हैं वो थोड़ा सा कहीं से सिलाई निकली है या कुछ है, तो ऐसे में आप क्या कहोगे? ऐसे में आपको लगेगा ना कि बस ऊपर ही ऊपर इन्होंने कर लिया है, बाकी इन्होंने अपनी कोई केयर नहीं करती है। नेल्स भी हैं तो अनइवन है कुछ, मतलब तो मैं आपको पूरी आपकी पर्सनालिटी को निखारने के लिए बताऊंगी, स्टेप बाय स्टेप मैं इसी चैनल पे बताऊंगी। तो ये मेरा चैलेंज है कि जैसे मैंने ब्यूटी पार्लर कोर्स आप लोगों को सिखाया है, उसी तरह से मैं चाहती हूँ कि आप लोग घर बैठ के अपनी पर्सनालिटी को निखारें, स्मार्ट बने। लोगों का होता है ना कि मैं स्मार्ट नहीं हूँ, बहुत सी लड़कियों को ये कॉम्प्लेक्स रहता है कि बहुत ज़्यादा मैं दुबली हूँ, दुबलेपन के कारण मैं स्मार्ट नहीं लगती हूँ, मोटी हूँ तो स्मार्ट नहीं लगती हूँ, इंग्लिश नहीं आती तो स्मार्ट नहीं हूँ। लेकिन इन सब बातों से परे आप देखोगे ऐसा कुछ नहीं है, मोटे लोग भी बहुत स्मार्ट लगते हैं, दुबले लोग भी अच्छे लगते हैं, जिनको हिंदी नहीं आती है वो भी ज़्यादा स्मार्ट लगते हैं। तो स्मार्टनेस आपकी पर्सनालिटी से निखर कर आती है, पर्सनालिटी को निखारिए, स्मार्टनेस अपने आप आ जाएगी। आपका चलना उठना बैठने का तरीका अगर जब अच्छा होने लगेगा और आप लोगों की बातों को सुनेंगे, आप अपने से प्यार करेंगे, सबसे ज़्यादा है कि आप अपने से प्यार करें, जब आप अपने से प्यार करते हो तो लोग आपको प्यार करते हैं। तो आज से मैं यही स्टेप शुरू करूंगी, तो मेक श्योर वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स जरूर करिएगा, और आप अपने कमेंट्स के द्वारा भी जरूर बताइएगा कि क्या मैं जो इस तरह से सोच रही हूँ तो इस तरह के मैं वीडियो बनाऊँ तो आप लोगों को पसंद आएंगे, अगर हाँ तो प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा जरूर बताइएगा। थैंक यू, बाय बाय, लव यू, टेक केयर।